ऑस्ट्रेलिया स्पाउस वीजा, स्पाउस वीजा क्या होता है? ये स्टडी वीजा के अंदर डिपेंडेंट कैटेगरी को स्पाउस वीजा बोला जाता है। एक लंबा इतिहास है ऑस्ट्रेलिया में जाने वालों का। जब एक लड़की पढ़ने जाती है तो उसके साथ जब उसका पति जाता है तो उसको ऑस्ट्रेलियन सरकार ने एक अलग से वीजा कैटेगरी बनाई हुई है जिसको स्पाउस वीजा डिपेंडेंट वीजा भी बोला जाता है। अक्सर जब आप ऑस्ट्रेलिया की फाइल लगाते हैं, एक जन यदि पढ़ने जाता है परिवार में से, बाकी जन को डिपेंडेंट वीजा मिलता है। यदि एक परिवार में 5 से 6 जन हैं, एक जन पढ़ने जा रहा है, दूसरा पति या पत्नी दोनों में से काम करने के वीजा पे जाएगा और साथ में जाने वाले बच्चों को डिपेंडेंट तौर पे वीजा मिलेगा, जिनको डिपेंडेंट वीजा बोला जाता है। एक लंबा इतिहास है कि लोग ऑस्ट्रेलिया में पीआर हासिल की, लोगों ने नागरिक बने, सबसे आसान रास्ता लोगों ने ढूंढा स्पाउस वीजा का। आज ऑस्ट्रेलिया में स्पाउस वीजा कहाँ पे खड़ा है, क्या इसकी शर्तें हैं, रूल्स रेगुलेशन क्या हैं, कैसे आप अपने स्पाउस के साथ ऑस्ट्रेलिया जा सकते हैं, क्या होता है स्पाउस वीजा, ये एक तरह का एक लूप होल है जहां पे एक आदमी जो आयल्स नहीं कर सकता, एक परिवार जो माइग्रेंट होना चाहता है, वो स्टूडेंट वीजा एजुकेशन वीजा के थ्रू माइग्रेंट होता है। एक समय था लोग पढ़ने के लिए विदेश जाते थे, लोग इंग्लैंड में पढ़ने जाते थे, लोग अमेरिका में पढ़ने जाते थे, आज लोग पढ़ने के साथ काम करने के लिए जाना चाहते हैं, आज लोग पढ़ने के साथ काम करके पीआर लेना चाहते हैं, परमानेंट रेजिडेंट बनना चाहते हैं, विदेशों की नागरिकता हासिल करना चाहते हैं। एक समय था सभी कंट्रीज द्वारा स्किल माइग्रेशन के तहत पीआर दी जाती थी। आज वेस्टर्न कंट्रीज को पता चल चुका है कि अगर हमें भारत से लोग लाने हैं तो स्टूडेंट वीजा पे लाए जाएं। एक तो ये लोग पैसे दे के आते हैं और ऊपर से आके कम पैसों पे काम करते हैं, 2-4-5 साल हमारी कंट्री में ये लोग बिताते हैं, उसके बाद हम इसको पीआर देते हैं। सो आज के दिन स्टडी वीजा का जो रूट है, ये रूट खत्म होता है पीआर पर जाकर। जो भी बालक आज विदेश में पढ़ने जा रहा है उसका सिर्फ एक ही मोटिव है कि किसी तरीके से मैं नागरिक बन जाऊं। ये नागरिक बनने का, पीआर तक पहुंचने का सफर है जो एक गरीब आदमी भी तय करता है, एक अमीर आदमी भी तय करता है। समाज में हर किसी को अलग अलग समस्याएं हैं जिस वजह से लोग मूव होते हैं, प्रवास होता है। अक्सर लोग छोटे गांव को छोड़ के बड़े गांव में आते हैं, बड़े गांव को छोड़ के लोग शहरों में आते हैं, शहरों से नगरों में जाते हैं, नगरों से महानगरों में जाते हैं। आज दुनिया छोटी हो चुकी है, आज लोग अपना देश छोड़ के पड़ोसी देश में जाते हैं, वेस्टर्न कंट्रीज में जाते हैं जहां पे उनको अच्छा रोजगार नजर आता है। आज बात ऑस्ट्रेलिया के स्पाउस वीजा की करूंगा। कौन जा सकता है? कोई भी जा सकता है, सिर्फ जरूरत है आपको रूल्स रेगुलेशन को पास करने की। यदि आप एलिजिबल नहीं है, अगर आप ये वीडियो अच्छे से देखेंगे, सारे कानून समझेंगे, तो आप 2-4-6 महीने में इस लायक बन जाएंगे कि आप ऑस्ट्रेलिया में जा सकेंगे। पहले तो अक्सर लोग मेरे से पूछते हैं ऑस्ट्रेलिया क्यों जाना है, या मैं लोगों से पूछता हूँ ऑस्ट्रेलिया का पर्पज क्या है, तो सबसे बड़ी बात सामने आती है कि 5 से 10 लाख रुपया एक महीने में बंदा बना लेता है और इतने पैसे दुनिया में कहीं नहीं मिलते। आज ऑस्ट्रेलिया के अंदर काम करने वालों की बहुत जरूरत है, लेबर शॉर्टेज चल रही है। यदि आप कोई हाथ का काम जानते हैं, इलेक्ट्रिशियन, कारपेंटर, प्लम्बर हैं, मिस्त्री हैं, मैसन हैं, आपको टाइल लगानी आती है, पत्थर का काम करना आता है, बिजली का काम कर लेते हैं, प्लम्बर का काम जानते हैं, तो आप महीने का 10 लाख रुपया कमा सकते हैं। यदि आप बाबूजी हैं, आपने भारत में कोई काम नहीं किया, सुबह उठते ही 11 बजे हैं, तो रोटी खानी भी बहुत मुश्किल है ऑस्ट्रेलिया के अंदर। काम करने वाले मेहनती लोगों की आज ऑस्ट्रेलिया में बहुत ज्यादा जरूरत है। जो भी लोगों के सपने बड़े हैं वो मेहनत से पीछे नहीं हटते, वो ऑस्ट्रेलिया में कामयाब हो सकते हैं। ये बात करें कि स्पाउस वीजा के तहत क्या रूल्स चाहिए। सबसे पहले तो आपकी शादी होनी चाहिए, और ये शादी असली हो, शादी के प्रूफ देने हैं, शादी की फोटोग्राफ देनी है, और आपको शादी का मैरिज सर्टिफिकेट देना है।
दूसरा, आपका दाखिला किसी ऑस्ट्रेलिया के कॉलेज यूनिवर्सिटी में हुआ हो जहां से आपको COE इशू हुई हो। अगर आपको पढ़ने के लिए जाना है तो आपको थोड़ी बहुत अंग्रेजी बोलती आनी होनी चाहिए, या आप इंस्टीट्यूशन का टेस्ट दे सकते हो। यहाँ पे बहुत बड़े लूपहोल्स हैं कि कुछ लोग आइल्स करने के लिए कोशिश करते हैं, कुछ PTE करने की कोशिश करते हैं, कुछ TOEFL कर लेते हैं, कुछ डलिंगो कर लेते हैं। कईयों की इंग्लिश वैसे बहुत अच्छी होती है तो वो इंग्लिश का प्रमाण पत्र दे के दाखिला ले लेते हैं। जिन लोगों के पास आइल्स का सर्टिफिकेट नहीं होता, उनके पास और बहुत सारे रास्ते होते हैं जिन रास्तों से उनको प्रमाण देना होता है कि वो अंग्रेजी अच्छी बोल लेते हैं, लिख लेते हैं। जो कॉलेज यूनिवर्सिटी द्वारा अगर एक्सेप्ट कर लिया जाता है तो आपको बिना आइल्स के दाखिला मिल जाता है। सो वीजा के लिए सबसे पहले आपकी शादी असली होनी चाहिए, दूसरा आपका दाखिला होना चाहिए, तीसरा आपके पास पैसे होने चाहिए, 1 साल की पढ़ाई की फीस, 1 साल के लिविंग एक्सपेंस जो जनरल साधारण भाषा में 20 से 25 लाख रुपए बनते हैं। यदि आपके पास माता पिता के अकाउंट में 20 से 25 लाख रुपए पड़े हुए हैं तो आप ऑस्ट्रेलिया का स्पाउस वीजा अप्लाई कर सकते हैं। आपको शादी हुए अभी 2 महीने हुए हैं, आपकी नई शादी है, आप पढ़े लिखे नहीं हैं, आप अनपढ़ हैं, आप कभी स्कूल कॉलेज में नहीं गए, आपको अंग्रेजी की ए भी नहीं आती, आप काखा गा बोल लेते हैं, आपको उड़ा ऐड़ा बोलना आता है बट आपको अंग्रेजी का एक अक्षर भी नहीं आता, फिर भी आप अपनी पत्नी के साथ जाएंगे, आपकी पत्नी पढ़ने जाएगी, आपको उसके साथ जाने का वीजा मिलेगा। ये डिपेंडेंट वीजा होता है, इस पे आपको काम करना अलाउड होता है, थोड़ी बहुत अंग्रेजी बोलनी आप वहां जाके सीख सकते हैं, जिसके बेस पे आपको नौकरी मिलती है और PR भी मिलती है। क्या क्या चीजें रीजन होते हैं जिस वजह से अक्सर वीजा नामंजूर हो जाता है? आपकी बीवी की पढ़ाई में गैप होता है, आप गैप को जस्टिफाई नहीं कर पाते, आपको जो कारोबार दिखाना है, जो माँ बाप की आमदन का प्रूफ दिखाना है, आप उसको जस्टिफाई नहीं कर पाते, आप किसी ऐसे नौसिखिया एजेंट से अप्लाई कर लेते हैं जिसको स्पाउस वीजा का कोई तजर्बा ही नहीं होता। जैसे आज सुनने में मिलता है कि 12वीं पास जिन लड़कियों ने करी हुई है उसको स्पाउस वीजा नहीं मिलता। मेरे पास आइए लगे देखिए, हम 12वीं पास वालों के ही स्पाउस वीजा लगाते हैं। यदि आपकी शादी हो चुकी है, आपके पास मैरिज सर्टिफिकेट है, आपकी बीवी ने 12वीं पढ़ी हुई है, उसके 50 नंबर है PTE में या IELTS में, 6 बैंड हैं, आप अनपढ़ भी हैं, आप फिर भी अपनी बीवी के साथ ऑस्ट्रेलिया जाएंगे, आपको पता है आज 2 हफ्ते में वीजा आ रहा है, सिर्फ 15 दिन के अंदर आपको वीजा मिलता है, जिसके बाद आप अपने सपने साकार कर सकते हैं। ईमानदारी चाहिए, आपके पास कोई झूठा कागज नहीं होना चाहिए, आप फाइल के अंदर कोई भी नकली कागज नहीं लगाएंगे। आपसे IELTS नहीं हो रही, आपने बैचलर डिग्री कर रखी है, थोड़ी बहुत अंग्रेजी बोल लेते हैं, जहां से आपने बैचलर करी है वहां से लिखा के दे दीजिए कि आपकी पढ़ाई अंग्रेजी मीडियम में थी। बहुत सारे इंग्लिश के और टेस्ट होते हैं, आप डुलिंगो टेस्ट कर लीजिए, आप TOEFL का, PTE का कोई भी टेस्ट कर सकते हैं, हर एक तरह के टेस्ट के बेस पे ऑस्ट्रेलिया का दाखिला होता है। आपको पढ़ाई छोड़े हुए 5-10 साल हो चुके हैं, इन 10 सालों में आपने कोई नौकरी करी है तो भी आप जा सकते हैं। आप भारत से बाहर काम करने के वीजा पे चले गए, आप मिडल ईस्ट में UAE में काम कर रहे हैं, आप दुबई के अंदर हैं, आप दोहा में हैं, आप बहरीन के अंदर हैं, कहीं पे भी आप कोई काम कर रहे हैं पिछले 5-7 साल से, 10 साल से, आपके पास उसका तजर्बा है, आप प्रमाण दे सकते हैं कि आपने 10 सालों में ये काम किया है तो भी आपको वीजा मिल सकता है। आज बहुत सारे बच्चे वीजा के लालच में UK चले गए, आज उनको UK में अंधकार नजर आ रहा है, ना PR मिल रही है, ना काम मिल रहा है, ना पढ़ा जा रहा है, ऐसे बच्चे भी स्पाउस वीजा लेके जा सकते हैं। आपको स्पाउस वीजा से संबंधित कोई भी इशू है, आप एक कॉल करिए, अभी कॉल करके मेरे साथ अपॉइंटमेंट बनाइए, आप नहीं आ सकते हम लोग ऑनलाइन अपॉइंटमेंट दे देंगे आपको, अपॉइंटमेंट के लिए हमें आपके सारे कागज चाहिए। आपकी बीवी ने 12वीं क्लास पढ़ रखी हो, थोड़ी बहुत अंग्रेजी वो बोल सकती हो, शादी आपकी असली हो, 20 से 25 लाख रुपए आपके अकाउंट में पड़ा हो, 15 दिन के अंदर वीजा मिल रहा है, 1 भी रुपया पैसा आपको वीजा से पहले नहीं देना, साधारण सा काम है। यदि आपकी शादी असली है और आपके पास 20-25 लाख रुपया है, एक बार हमें मिलिए। आपके पास
नंबर कम है पढ़ाई में, आपके आइल्स में बैंड नहीं आ रहे, आपने कोई एमए बीएड कर रखा है, आपको समझ नहीं लग रही कैसे जाया जाए, एक बार मिली है हमें, कोरोना में आपकी नौकरी छूट गई, कारोबार आपका छूट गया, आप ऑस्ट्रेलिया में पीआर लेना चाहते हैं, सीधा सीधा काम है, आप ऑस्ट्रेलिया में वर्क वीजा चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, द बेस्ट वे आउट इज एजुकेशन वीजा। जब आप पढ़ाई के तौर पे जाते हो, आपको काम करने को मिलता है, आपको पीआर भी मिलती है। पढ़ाई के तौर पे जाने वाले बच्चे कॉलेज यूनिवर्सिटी की फीस पे करके जाते हैं, वीजा से पहले किसी तरह का कोई पैसा नहीं लेते आपसे, आपको ऑस्ट्रेलिया पत्नी के साथ जाना है, बच्चों को साथ लेके जाना है, हमें मिली है, हमारे पास एक एक्सपर्ट टीम है जिसकी बदौलत हम पिछले 16 साल से लोगों के सपने साकार कर रहे हैं। समस्या बताइए हमें, अभी कॉल करिए हमें, व्हाट्सएप करिए, ईमेल करिए, अपना सीवी भेजिए, आपको पति पत्नी दोनों को इकट्ठे भेजेंगे, नई शादी पे भी भेजेंगे, अनपढ़ आदमी को भी भेजेंगे, जिसके पास आयल्स नहीं है उसको भी भेजेंगे। समझना पड़ेगा हम ये काम करते हैं वीजा लगाने के लिए, ना कि आपसे एडवांस पैसे लेने के लिए। चाहते हैं आपके माँ बाप के सपने साकार हों, आप भी कनाडा में जाके अच्छी शिक्षा हासिल करें, तो अभी हमें कॉल करें और अपना ऑस्ट्रेलिया में 10 लाख रुपए महीना कमाने का सपना साकार करें। धन्यवाद। जय श्री।